मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं रेगुलर डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की एक स्कीम जो अक्रॉस इंडिया चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। और मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि हम जो ये स्कीम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में इम्प्लीमेंटेड है पिछले 10-12 सालों से, इसके साथ जो इस्तेसाल हुआ है और जो एजेंसी जिस एजेंसी ने इसके साथ इस्तेसाल हुआ है उसका खुलासा थोड़ा करना चाहता हूँ कि 2008 में ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट हुई डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, लेकिन इसमें जो भी अपॉइंटमेंट स्टिल डेट हुई है वो विदाउट एडवर्टीजमेंट हुई है, और उसमें इन्होंने एक पैरेंट बॉडी इसकी थी जिसको सरकार ने कहा था कि आपका बोर्ड में एक मेंबर रहेगा, लेकिन हमारी गाइडलाइन जो JSS की है उसमें लिखा है कि इन पे सिंगल पैनी भी खर्च नहीं कर सकते हैं। इवन तो इन्होंने अपना एफिडेविट भी सबमिट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने किसी भी रिलेटिव को इसमें इन नहीं करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने मोर देन 26 लोगों को इसमें इन किया और वो 10-12 सालों से वो पैसा उससे लूटते रहे और अपने दो ऑफिस, एक राजबाग में और दूसरा खुशबाग बारामूला में स्टार्ट किया, जबकि ये पैसा उस दूर अफ्ताबदा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए आया था जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, लेकिन ये पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। एक तो इसका इजाला हम चाहते हैं, दूसरा जो पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है इन्होंने वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज और इलेक्शन कंपेनिज में इस्तेमाल किया है। आपको मैं विद एविडेंस कह रहा हूँ कि तनवीर खान नामी शख्स, एक जो गोपालपुर अनंतनाग का है, उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया API पार्टी में, AIP पार्टी में, और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट किया, और उसी टाइम पे वो सिग्नेचर अथॉरिटी भी है इस स्कीम का, और उन्होंने मिनिस्ट्री को हाइड एंड सीक खेल के ये हमेशा बोल दिया है कि हम वहाँ पे सिग्नेचर अथॉरिटीज नहीं है, जबकि वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वही ये सिग्नेचर अथॉरिटी हैं। टिल डेट 2022 तक ये सिग्नेचर अथॉरिटीज़ है और सिग्नेचर अथॉरिटीज का रोल कर रहे हैं। ये किस एतबार से सही है? ये फुल वायलेशन ऑफ गाइडलाइन है। और इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स यहाँ स्टेट में स्टार्ट किए थे, इफ़ वी डू नॉट राइज, मैंने उनसे पूछा मकसद क्या है इस प्रोग्राम का, इन्होंने बोला कि हम अवेयरनेस लोगों में पैदा करना चाहते हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस J&K। मैंने उनको बोला कि ये पैसा कुपवारा के लिए है, हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। व्हेन आई केम टू नो द एलिमेंट बिहाइंड दिस वाज दैट वाज एंटी नेशनल इन नेचर, आई डिनाइड। एंड ये जो मेरा डिनाई करना और इनको ये पूछना, भाई आपने जो एम्प्लॉयमेंट किए हैं ये कहाँ है, ये गूस्ट एम्प्लॉयज क्यों अभी तक है, और आपने इनसे सैलरीज क्यों ली है, तो दे स्टार्टेड एन एलिगेशन ऑन मी कि आपकी अपॉइंटमेंट सही नहीं है, तो उस पे ऑनरेबल DC ने LG गवर्नर ग्रीवन सेल से और हाई कोर्ट ने अपनी डिसीजंस दे दी है, उसके बावजूद भी ये कीचड़ उछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मैंने ये अपनी कंप्लेंट जो विद प्रूफ्स मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंचाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को भी भेज दी और NIA को भी भेज दी है, ताकि जमीनी सत्ता पे इस चीज का तहकीकात किया जाए कि जो पैसा सरकार के लिए आता है, जो सरकार पैसा भेज रहा है, क्या वो सरकार के खिलाफ इस्तेमाल हम कर सकते हैं? क्या खुले अल्फाज में आप कह सकते हैं कि कौन-कौन इसमें मुलव्वस है? हाँ, इसमें जो मुलव्वस है, एक अनहद नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गुजरात राइट्स पे जो बनी है, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इन्होंने आज तक यह हाइड किया है कि 2016 में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कैंसिल भी किया है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की है, लेकिन इन्होंने छुप के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में दो कमरों में इस स्कीम को रखा और इसके पैसे को मिसयूज किया। और इसमें दूसरा बंदा जो कश्मीर में इसका पेट्रॉन है वो तनवीर अहमद खान है, जो गोपालपुर अनंतनाग का है, उसका भाई अशफाक अहमद खान, और उड़ी से दो बंदे हैं जिनका नाम है मुख्तियार अहमद शेख, सरीर अहमद शेख, कुपवारा से एक इरशाद अहमद सोफी नामी शख्स जो इसका मैन कल्प्रिट आज है, जिन्होंने इनको ये ग्राउंड दिया है, जिन्होंने इनको रूम दिया ऐसे चीज़ें करने के लिए, और इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट में इनको ऑक्सीजन देने की कोशिश करें। मेरा मुतालबा ये है, अगर ये लोग सरकार के पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें कौन सा हक ये बनता है कि हम इन लोगों को ऑक्सीजन दें, हम इन लोगों को प्रोसीड करें, हम इन लोगों को हेल्प करें। मैं अपना मुतालबा इस तरह से रख रहा हूं कि मैंने जो भी काम किए हैं, मैंने जो भी अपने टेन्योर में जो भी फंक्शंस मैंने किए हैं, मैंने अपने मैंडेट के अकॉर्डिंग किए हैं, गाइडलाइन, अगर मैंने कोई भी काम आउट ऑफ गाइडलाइन किया होगा उसको कानून के सामने लाया जाए, और अगर मैंने अपने किसी के घर के किसी रिलेटिव को इन किया है, मैंने दो बार रिक्रूटमेंट की है, मैंने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट से अपॉइंटमेंट की है, लेकिन इन्होंने जो लोग अपॉइंट किए हैं 5वीं से 8वीं तक इनकी क्वालिफिकेशन है और पिछले 10-12 सालों से वे काम कर रहे हैं, और 10-12 सालों से काम करने के बावजूद वो लोग डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कभी नहीं आए हैं, घर में बैठे। ये बताइए कि क्या ये पैसा लोन के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है? और दूसरी बात ये है कि जो आपने आज तक
हुकाम तक बात पहुंचाने की कोशिश की, उसके क्या नतीजे निकले, और ये बताइए कि अब तक कितने पैसों का खुर्द हुआ है? इन लोगों ने अपने इन रिलेटिव्स के नाम पे, लाइक तनवीर अहमद हुसैन खान ने अपने साले के नाम पे, शाहिद मंजूर जिनका नाम है उनके नाम पे लोन लिया है, जो सैलरी के अलावा लोन लिया है डिपार्टमेंट से, और इस तरह से इरशाद अहमद सोफी ने अपने और अपनी बीवी के नाम पे लोन लिया है, इस तरह से अब्दुल रूफ शेख एक बड़गाम का रहने वाला है जिसने अपने नाम पे दो लोन लिए हैं, और मुख्तियार अहमद शेख जो उड़ी बुनियार का रहने वाला है उसने भी लोन लिए हैं, और वो एविडेंसेस मेरे पास मौजूद हैं, वो एफिडेविट्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब मैंने उनसे सैलरीज और लोन का पूछा कि आप ये वापस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे खिलाफ एलिगेशन स्टार्ट की थी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के SSP साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ट्रस्ट है, मुझे उम्मीद है आप पे कि आप इंसाफ को पूरा मौका दे दोगे, अगर कहीं पर मैं गिल्टी हूँ, अगर कहीं पर भी जो चीज़ें जो एलिगेशन इन्होंने मुझ पर लगाई है अगर वो प्रूव हो रहे हैं तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इन लोगों को एफआईआर किरदार तक पहुँचाने में एक अहम रोल अदा करोगे ताकि इनको सजा मिले। ये लोग जो है ये पिछले एक दहाई से बैठे हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट के इस पैसे को जो टंगडार कैरन मसल और बाकी इलाकों के लिए आया था इसको मिसयूज किया है। 2 साल पहले इस JSS नामी स्कीम को डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज के डेट में पूरे इंडिया में आउट ऑफ 308 डिस्ट्रिक्ट्स ये नंबर 1 पे हैं। मैंने ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जिन इनिशिएटिव से नंबर 1 पे आ गई है। मैंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किए हैं डिफरेंट एजेंसीज के साथ, लाइक सद्भावना प्रोग्राम्स के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट किए हैं, MSME के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट की है, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट किए, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका कोई भी रोल नहीं है, जिनका कोई भी हक नहीं बनता है कि कोई भी चीज़ वो किसी भी चीज़ पर वो क्वायरी उठाएं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा रोकने की कोशिश कि आप ये ऐसा ना करें, आप इनके साथ कोलैबोरेशन ना करें, सरकार का पैसा उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए, मेरा इसमें एक कलीदी रोल है, और मैं चट्टान की तरह अपने वादे पे और अपने अजम पे और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन चलता रहूंगा। और आज इन्होंने एक एजेंसी के जरिए जिसको बिलाल अहमद वानी नामी एक शख्स ने एक फैक बोर्ड बना के एक बंदे को एक फैक न्यूज़ पोर्टल अलहिंद न्यूज़ पोर्टल जो है जो इसके इनके इस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडे को आगे प्रोसीड कर रहा है उसके जरिए से एक बंदे को इंचार्ज डायरेक्टर अपॉइंट किया है, जबकि रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट है, जबकि रेगुलर डायरेक्टर को कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई टर्मिनेशन नहीं है, और वो मेरे ऑफिस को पिछले 3 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद उनका उन रिकॉर्ड्स को डिमोलिश करना है, उन रिकॉर्ड्स को चुराना है ताकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं रहे। लेकिन आप बाखबर, आपको मैं बाखबर कर रहा हूँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मेरे पास आपके किए हुए करतूतों का हर एक सबूत मेरे पास मौजूद है। 2008 से लेकर 2021 तक आपने जो भी चालें खेली है और जो भी पैसा आपने इस्तेमाल किया है इलेक्शन कैंपेन्स पे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज पे और अपने पर्सनल ऐश अयाशों पे जो पैसा खर्च किया है, तो वो उस पैसे का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। आपसे एक सवाल करेंगे, क्या आपको इसमें कोई लाइफ थ्रेट लग रहा है? और साथ ही जो लोग ये लोग हैं इन्होंने मुझे कंप्लेंट्स के अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी, LG ग्रीवेंस सेल में भी, हाई कोर्ट में भी और मिनिस्ट्री में कंप्लेंट्स करने के अलावा इन्होंने मुझे बहुत बार लाइफ थ्रेट्स दी है, जिसपे उन्होंने मुझे वार भी करने की कोशिश की है। एक दो बार मेरे व्हीकल्स पे भी उन्होंने अटैक किया है, मेरे ऑफिस पे रात में अटैक किया है, जिसमें मेरे 2 चौकीदार जो है वो जख्मी हो गए और वहाँ पे बोर्ड तोड़फोड़ की। उसमें कुछ और लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट में इनका साथ है, जिसमें एक फिरदौस इस्लाम नामी एक शख्स है जिसने पिछले 2 सालों से एक प्रोपेगंडा बनाया, जो कि ऑलरेडी J&K बैंक में काम कर रहा है, ऑलरेडी प्रोपेगंडा बनाया कि मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरी अपॉइंटमेंट छीनी गई, जबकि वो कोई भी चीज़ उसके पास फैक्टफुल नहीं है। लेकिन ये सारे लोग दोबारा से आप इस अनहद की स्कीम को, इस JSS की स्कीम को उस अनहद में जम करना चाहते हैं, उस पैसे को दोबारा से उस फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, और मैं अपने मैंडेट और मैं अपने उसूल और अपने ओहदे के मुताबिक हमेशा काम करता रहूंगा। मैं एज ए रेगुलर डायरेक्टर हमेशा से काम करता रहूँ गुजरात राइट्स पे जो बनी है, और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इन्होंने आज तक ये हाइड किया है कि 2016 में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कैंसिल भी किया है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की है, लेकिन इन्होंने छुप के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 2 कमरों में इस स्कीम को रखा और इसके पैसे को मिसयूज किया,
और इसमें दूसरा बंदा जो कश्मीर में इसका पेट्रॉन है वो तनवीर अहमद खान है, जो गोपालपुर अनंतनाग का है, उसका भाई अशफाक अहमद खान, और उड़ी से दो बंदे हैं जिनका नाम है मुख्तियार अहमद शेख, सरीर अहमद शेख, कुपवारा से एक इरशाद अहमद सोफी नामी शख्स जो इसका मैन कल्प्रिट आज है, जिन्होंने इनको ये ग्राउंड दिया है, जिन्होंने इनको रूम दिया है ऐसे चीज़ें करने के लिए, और इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट में इनको ऑक्सीजन देने की कोशिश करें। मेरा मुतालबा ये है, अगर ये लोग सरकार के पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें कौन सा हक ये बनता है कि हम इन लोगों को ऑक्सीजन दें, हम इन लोगों को प्रोसीड करें, हम इन लोगों को हेल्प करें। मैं अपना मुतालबा इस तरह से रख रहा हूं। करने के अलावा इन्होंने मुझे बहुत बार लाइफ थ्रेट्स दी है, जिसपे उन्होंने मुझे वार भी करने की कोशिश की है, एक दो बार मेरे व्हीकल्स पे भी उन्होंने अटैक किया है, मेरे ऑफिस पे रात में अटैक किया है, जिसमें मेरे दो चौकीदार जो है वो जख्मी हो गए, और वहाँ पे बोर्ड तोड़फोड़ की, उसमें कुछ और लोगों का भी इन डिस्ट्रिक्ट में इनका साथ है, जिसमें एक फिरदौस इस्लाम नामी एक शख्स है जिसने पिछले दो सालों से एक प्रोपेगंडा बनाया, जो कि ऑलरेडी जेएंड के बैंक में काम कर रहा है, ऑलरेडी प्रोपेगंडा बनाया कि मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरी अपॉइंटमेंट छीनी गई, जबकि वो कोई भी चीज़ उसके पास फैक्टफुल नहीं है। लेकिन ये सारे लोग दोबारा से आप इस अनहद की स्कीम को, इस जेएसएस की स्कीम को उस अनहद में जम करना चाहते हैं, उस पैसे को दोबारा से उस फॉर्म में इस्तेमाल करना, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, और मैं अपने मैंडेट और मैं अपने उसूल और अपने ओहदे के मुताबिक हमेशा काम करता रहूंगा। मैं एज ए रेगुलर डायरेक्टर हमेशा से काम करता रहूँ।